नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वह हरियाणा जुडिशरी के प्री एग्ज़ाम पे बेस्ड है। और इसके साथ साथ ये लेक्चर अदर स्टेट में भी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हरियाणा जुडिशरी की डेट आ गई है जो 30 नवंबर 2021 को होने जा रही है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। और इस एक्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शन आपको प्री के लिए पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन कौन सेक्शन नहीं पढ़ना है, कौन कौन सेक्शन रिपील्ड हो गया है, ठीक है, ये एक्ट कब लागू हुआ है। क्योंकि बेसिकली आप यहाँ देखेंगे कि इसमें 2 से 5 क्वेश्चन ही पूछा जाना है, यानी 2 to 5 क्वेश्चन, 2 से 5 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो इस एक्ट में मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको प्री में कुछ सेक्शन आपको बता दिया है इसमें कि कौन कौन सेक्शन आएंगे, उन्हीं को आपको पढ़ना है और तैयार करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देंगे कि देखिए डेट इसकी क्लियर हो गई है, अब कोई डाउट नहीं है, 30 नवंबर 2021 को हरियाणा जुडिशरी प्री का एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए आप असमंजस मत रहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन आने आते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। तो 2 से 5 क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट आएंगी। और इसमें से कुछ सेक्शन का हमने क्या किया यहाँ पे डिटेल बताया है कि इन इन सेक्शनों को कैसे हमको पढ़ना, कैसे याद करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में कौन कौन से सेक्शन आपको प्री के लिए एक बार देखना है। तो आइए इस पर हम टिक लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन 2 में आप देखेंगे कि सेक्शन 2 में ये क्या है, ये डिफिनेशन क्लाज, यहाँ पे परिभाषा खंड दिया गया है ना, परिभाषाएँ दी गई हैं, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सेक्शन 3 आपको यहाँ देख लेंगे, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, सेक्शन 6A, 7, 10, 12, 13 और 15। यानी कि देखा जाए तो 2 से लेकर 15 तक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से आपके 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो शुरू से 15 तक सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए फिर देखते हैं, फिर 17, 19, 26, 27, 32, 32A, 39, 45, 47, 51, 58, उसके बाद 60 और 62, ठीक है। फिर इसके बाद 71, 73, 78, 78A, 79 और 85, ठीक है, और लास्ट में है 91। यानी कि इतने सेक्शन आपको प्री के लिए एक बार बेरेट से देख लेना है, ताकि आपका जो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाए वो गलत ना हो, ठीक है। अब उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि इस एक्ट में कुछ सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया है, कुछ सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया, वो जान लीजिए कौन कौन। जैसे देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 18A, 32B, 56, 67, 92 और 93। यानी कि देखा जाए तो कितने सेक्शन रिपीट किए गए, आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि इसमें 9 सेक्शन को रिपीट कर दिया गया है। तो जानकारी होनी चाहिए, पूछ देता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिपीट, तो आपको याद होना चाहिए, आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। अब आइए ये देखते हैं कि इस एक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि एक्ट नंबर क्या है, ये एक्ट कब लागू हुआ, इस एक्ट का प्रियम्बल क्या है। तो आइए, तो सबसे पहले आप जानिए कि द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो बेसिक है वो है कि यह एक्ट नंबर कितना है, इस एक्ट का नंबर याद रखिए 16/1908, यानी इस एक्ट का सीरियल नंबर कितना 16 है। ये भी प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका प्रीएम्बल क्या है, यानी इसकी उद्देशिका क्या है। तो उद्देशिका आपको देखिए दिया हुआ है कि टू कंसोलिडेट द इनेक्टमेंट्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया कंसोलिडेट वर्ड दिया है, क्योंकि बहुत और से एक्टम देता है कंसोलिडेट टू डिफाइन टू अमेंड, तो यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में जितने भी नियम हैं उनको कंसोलिडेट कर देना, एक जगह कंसोलिडेट कर देना, ठीक है। तो इसका कंसोलिडेशन पर्पज से इसका मेन पर्पज है, ठीक है। अब आगे आइए, अब ये प्रश्न है कि यह एक्ट जो है इसका ये विस्तार कहाँ तक लागू कहाँ तक होता है, तो इसको पता है कि दिस इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले था ये, पहले पुराने एक्ट में था कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से अब लगभग मैक्सिमम एक्ट जो जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू होते थे अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, तो टोटल सेक्शंस देखिए, टोटल सेक्शन कितने हैं 93, याद रखिएगा। हालांकि 91, 92, 93 रिपील्ड है, लेकिन जब पूछेगा कितने सेक्शंस हैं आपका आंसर होगा 93 सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल पार्ट्स, इसमें देखिए पार्ट्स हैं, इसमें भाग हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं 15 पार्ट्स हैं यहाँ पे, यानी कि टोटल 15 इसके भाग हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि द रजिस्ट्रेशन एक्ट इंक्लूड्स हाउ मेनी पार्ट्स, पहला 10, 12, 15, 20, आपका आंसर 15 होना चाहिए। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हमें आ रहा है या बहुत आसान है, क्योंकि जहाँ आप आसान आसान क्वेश्चन ईजी जी क्वेश्चन गलत करेंगे वहीं आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 2 जो है थोड़ा इस पर डिसीजन करते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 से मुझे लगता है कि एक वन क्वेश्चन या टू क्वेश्चन सेक्शन 2 पर से ही आ सकते हैं। सेक्शन 2 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनेशन क्लाज है, परिभाषा खंड। देखिए पहली बात तो जानिए कि सेक्शन 2 में क्या क्या परिभाषित किया गया। देखिए 2(1) में एडिशन, याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी बना के याद कर लीजिएगा, 2(1) में एडिशन है, ठीक है। सेक्शन 2(2) में क्या है, बुक के बारे में दिया है, किताब के बारे में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेक्शन 4 में क्या दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया है, यानी कि जिला न्यायालय दिया है। सेक्शन किस में, सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय के बारे में दिया, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 5 में क्या दिया है, देखिए क्या दिया कि इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आइए सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में क्या दिया, इमोरल प्रॉपर्टी, इमोरल प्रॉपर्टी के बारे में दिया। इमोरल प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, स्थावर संपत्ति, ठीक है, इमोरल प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद फिर दे रहा है इसके 7th क्लॉज में दे रहा है, क्या दे रहा है, लीज, लीज का मतलब होता है पट्टा, पट्टा मतलब ये TPA में पट्टा को डिफाइन किया गया है 105 में, तो आप इसको TPA से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कि सेक्शन 105, ठीक है, ये पट्टे के बारे में दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका जो 8th क्लॉज है माइनर के बारे में दे रहा है, अप्राप्तवय कौन है, तो यहाँ पे अप्राप्तवय का नियम अलग है। जनरली हम पढ़ते हैं कि माइनर कौन है, ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, जो 18 साल का नहीं है वो माइनर है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस लॉ के तहत अगर कोई ऐसी बात बताई गई है माइनॉरिटी की, कितना एज का व्यक्ति माइनर नहीं होगा, तो वहाँ पे वो माइनर नहीं होगा, यहाँ पे इसको समझना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप इसके 9th क्लास में आएंगे, तो यहाँ पे क्या दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जंगम संपत्ति। अब जंगम संपत्ति है तो आपको IPC का सेक्शन 22 भी याद होना चाहिए। IPC में देखिए, IPC के सेक्शन 22 में जंगम संपत्ति की बात की गई है, तो अगर आप इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए, फिर इसके 10th, इसके 10वें क्लॉज में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि की बात कर रहा है, प्रतिनिधि की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और दिया हुआ, सेक्शन 10(2) के 10A में, चूँकि आप इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ रहे हैं, डिफरेंस क्लास पढ़ रहे हैं, उसमें क्या दिया है, ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी में क्या क्या आता है, ट्रू फोटो स्टेट कॉपी आती है, याद रखिएगा, क्या आता है, ट्रू फोटो स्टेट कॉपी आती है। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ट्रू कॉपी इंक्लूड्स, क्या आता है, ट्रू कॉपी इंक्लूड्स में क्या क्या आता है,
आपको आना ही आ जाएगा कि ट्रू फोटो स्टेट कॉपी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर है, अब देखिए सेक्शन थ्री पे देखते हैं थोड़ा सा कि सेक्शन थ्री किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन थ्री में दे रहा है, क्या दे रहा है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेक्शन थ्री दे रहा है। तो इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ध्यान दीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब आ जाएगा कि अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अपॉइंटेड बाई, पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका कि बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बाई द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा आ जाएगा बाई द स्टेट गवर्नमेंट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन चॉइस करना है क्योंकि सेक्शन थ्री में दिया। तो इतना ही, आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, उन सेक्शनों को थोड़ा सा पढ़ना कि इसमें क्या अपॉइंटमेंट कौन करने वाले अथॉरिटी है, किसको अपॉइंटमेंट किया जाता है और किस सेक्शन दिया गया। इन तीन बातों को ध्यान देंगे तो आपका 2 से 5 क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, चाहे वो 2 क्वेश्चन पूछेंगे चाहे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। आइए अगला देखते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या, आपको पता है कि सेक्शन 4 रिपील कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब सेक्शन 5 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला और उपजिला। तो जिला और उपजिला कौन बनाता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी जिले को बनाना, उपजिले को बनाना, उसका नाम बदलना, उसकी लिमिट्स बाउंड्रीज को डिसाइड करना। ये कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो ये पूछ सकता है स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 5 हु कैन कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट, आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट याद करना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास फुली पावर दी गई है। अब आइए सेक्शन 6 में देखिए। तो सेक्शन 6 में देखिए रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार के बारे में बात की गई है। अब किस सेक्शन में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की बात की गई है, वह सेक्शन 6 है, ठीक है। और कौन इसको अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है, राइट। अब देखिए एक इसमें और जुड़ रहा है सेक्शन 6A, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 6 देखिए ए क्या है, एडिशनल रजिस्ट्रार की बात है, अपर रजिस्ट्रार की बात करती है। तो प्रश्न है कि अपर रजिस्ट्रार, देखिए ये वर्ड्स कब जोड़ा गया, कब सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिसके लिए एक्ट नंबर 27/1994 यानी एक्ट नंबर 27 है और 1994 में एडिशनल रजिस्ट्रार वर्ड जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतने सेक्शंस को आपको पढ़ना है, जैसे कि मैंने 6 सेक्शन तक डिस्कशन करा दिया हूँ, आप इसको इतने सेक्शन से इंपॉर्टेंट सेक्शन को टिक लगा लीजिए और बेयर एक्ट में इसको टिक लगा के पढ़ डालिए और अपने कॉपी नोट कर लीजिए। आपका 2 पेज में नोट्स बन जाएगा और आपका 5 क्वेश्चन में आप पूरा चांसेस है कि 5 का 5 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हम हरियाणा के लिए और भी जो माइनर एक्ट हैं उनके हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो जिन लोगों को, जो लोग नए हैं इस चैनल पे हमारे, उस वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें कि उनको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी अपडेट करता रहूं। थैंक यू।